आचा परस्मिन पूर्व विदो, इसका तत्व ने थोड़ा देखना पदकृति वगैरह दिया हुआ है। अच्छा किम, अच्छा क्यों कहा? स्थानीभूत से परमे, जो निमित्त उस निमित्त को लेकर के ही पूर्व में कोई कार्य करना होगा तो ऐसा क्यों, अच्छा क्यों कहा आपने? अरे आगत्य बाल्यपि इति अन्नासिक लोपस तुकी कर्तव्य न स्थानीवत। धातु क्या था यहाँ? गम धातु है, आंग उपसर्ग गम धातु है। यहाँ पे गम धातु का मकार लोप हुआ कि नहीं? वाल्यपि सूत्र से गम धातु का मकार लोप किसे हुई थी? तो आके होने से ही हो गया, कित प्रत्याने से मकार का लोप हो गया। अन्नाशकस्य लोपो इंगित जलो, क्या था? झलक इंगिति, ऐसे कुछ सूत्र है ना, अन्नाशकस्य लोपो झलक इंगिति एक सूत्र है, उससे लोप हो गया अन्नाशिका। मकार जब लोप हो गया और यदि उसके स्थान भाव करेंगे, यदि आपने उसे स्थान भाव करेंगे तो तुकी कर्तव्य आपसे तुक का कम नहीं होगा। क्यों? ह्रस्व से पिधिकृति तुक ह्रस्व को करता है। अब अन्नासिक जो लोप हुआ है, कौन अन्नासिक लोप हुआ था? मकार। वो यदि वापस वहां दिखाई देगा वो हलंत हो जाएगा, ह्रस्वांत में मिलेगा नहीं, तो तुक नहीं हो पाएगा। इसलिए परनिमित्तक अजादेश कर दिया। आज के स्थान में जो आदेश हुआ कार्य हो वो ही पूर्व के दृष्टिकोण में कार्य करने के लिए स्थान का होगा। और यहाँ जो आदेश हुआ था लोप रूप आदेश कार्य हुआ आपका, किसके स्थान में हुआ था? आज के स्थान में नहीं, अन्नास के स्थान में हुआ था। अन्नास को आपने लोप किया है, इसलिए ऐसी स्थिति में अचकहने का लाभ यह हुआ आगत्य में स्थान भाव नहीं हुआ, और अस्वांत दिखाई देने से तुक भी आगम हो जाता है। परस्मिन किम, परनिमित्त का आदेश क्यों का? आदिध्ये, दीधिंग वेविंग धातु है, आदिध्ये नित्यत्व हिताएत्व, नित्य होने से इत को एत हो गया। दीधिंग वेविंग धातु होता ही है केवल छांदस धातु है। शुरू में एक सूत्र है दीधिंग वेविटा, किंगित्चा के बाद ही आता है दीधिंग वेविटा, दीधी वेविटा कहते उसी का ले रहे, दीधिंग धातु, दीधिंग विविंग है ना, वेविंग धातु है, उन धातुओं के रूप में एक को लिया। आदिध्य नित्य द्वादिता ए तम तच्च न परनिमित्तम, वो परनिमित्तक नहीं था, उसके स्थान का हो जाएगा, स्थान का होगा तो क्या होगा? ये दिखाई देगा। यदि आप परनिमित्त न कहते, परस्मिन न कहते, ये हो गया निर्निमित्तक का आदेश है ना, इट को जो एत्व है वो निर्निमित्तक है। हम के पर थे थोड़े इट को हम कर रहे हैं, बिना निमित्त का हो रहा है, तो पर निमित्त का नहीं है, सीधी सी बात है। यदि सूत्र परस्मिन न होता, अच के स्थान में हुआ आदेश का स्थान हो जाएगा, पूर्व में कार्य करना होगा तो यह अर्थ निकलेगी ना, पर निमित्त का आदेश नहीं कर सके, इतना ही को अचादेश जो उसका स्थान होगा पूर्व में कार्य करना होगा तो। अब अचादेश कौन था? ई को ये हुआ, उस स्थान हो जाए थोड़ा पसी दिखेगा, निमित्त पूर्व में कार्य क्या है? किड़ वही मंगे रहते हुए क्या होगा? गुण, वह कार्य नहीं होगा। इतना ई वर्ण यो हो इति लोपे कर्तव्य तन न स्थानिवत, सूत्र क्या है? ई वर्ण योर दीधि वेवियो सात चार तिरपन का है, ई वर्ण यो दीधि वेवियो, इस सूत्र के द्वारा ई का धातु के ईकार का लोप ही हो जाना चाहिए था, धातु के इकार का लोप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फिर? रुक क्या बनेगा? आदिध्य नहीं बनेगा, आदिधि धन इट था, इट को यह हुआ स्थान होने से दीधिंग धातु के इकार लोप हो गया, आदिध धन ए रूप बनेगा, आदिधे, आदिधे बनेगा, बनना चाहिए आदिध्य, ऐसा ना हो सब परस्मिन कर। परनिमित्त अचादेश कोई स्थान भाव करना है, निर्निमित्तक या अनिमित्तक में नहीं होगा, और इट को जो हेतु हुआ वो निर्निमित्तक है, इसे स्थान भाव नहीं होगा। नहीं होने से क्या हुआ? ई का लोप नहीं हुआ, ई को यानी यण होकर आदिध्य सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से पूर्व विधो विधि किम, आचा परस्मिन पूर्व स्थानिक विधि में ऐसे क्यों कहा? नहीं धेय
नीपूर्वाध्याय उपसर्गे घोखि आतोलोपटी च्वेच इतश्चानीय इति ढक। नई देह में क्या बनाया, नीपूर्वक धा धातु था, निधा उपसर्ग हो कूसे किसी की कर दिया, की कही बचा निधि बना, निधन धा की कही बचा धा का लोप निधि आतलोपटी से हो गया। निधि शब्द क्या हो गया, द्वचा सूत्र से, इतश्च अनिया सूत्र से ढक प्रत्यय हो गया। जब ढक प्रत्यय हुआ, ढक का ढ ढ को ये आदेश है ही नहीं, आयन फट के चौंग, तो नई धेय रूप बनता है। आकार से स्थानीवत्वे तो यहां पर जो आकार लोप हुआ था धा धातु का आतलोपटी से, उसके भी हम स्थान भोग कर देते हैं तो क्या होगा, तो आ दिखाई देगा वहां पर, नी धा की कही तीन अच हो जाएगा, फिर द्वचा सूत्र लगेगा ही, स्थान भोग कर दिया तो त्रच हो जाएगा, द्वचा सूत्र लगेगा नहीं। वही करें आकार से स्थान तो त्रक्षत्व व्यपदेशे न, तीन अच का वहां पर हमको श्रवण हो जाएगा, अच तुम विरुद्धत्व बाध्य, तो द्वक्षत्व का विरुद्ध होने के नाते, द्वि अच का विरुद्ध होने के नाते वह सूत्र ही बाधित हो जाएगा, नहीं आ पाएगा। नहीं त्रिपुत्र द्विपुत्र व्यपदेशम लभते, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, तीन पुत्र वाले को कह दो उसके आदमी को तुम दो बेटे का बाप है तो गुस्सा हो जाएगा, हमारे एक बेटे को मार डाला आपने, हम तीन बेटे के बाप हैं, दो बेटे का कैसे कह दिया आपने, लड़ाई हो जाती है। व्याकरण में भी ऐसी प्रकार से जब त्रेच है तो त्रेच है, उसको द्वेच समझ करके तुम रूप बना लो, कुछ भी सूत्र लगा दो, ये नहीं हो सकता। त्रेच शब्द है उसका त्रेचत्व का ही अभिमान रहेगा, उसे द्वेचत्व आप नहीं ला सकते। दृष्टांत से समझा दिया, नहीं त्रिपुत्र द्विपुत्र उपदेश हम लभते है, विधि ग्रहण व्यर्थ। तो पूर्व पक्ष कहता है पूर्व विदो क्यों कहा, अच्छा प्रश्न, पूर्वे सूत्र में पूर्वे बस, पूर्व विदो क्यों कहते, कहते हैं विधि शब्द का अर्थ समझो पहले, और साथ साथ ये भी समझना पड़ेगा कि विधि शब्द कर्मणी में की प्रत्यय हुआ है या भाव में की प्रत्यय, दोनों में अंतर पड़ जाता है, आगे विस्तार से आएगा उसलिए उठाऊंगा नहीं। अब यहां इतना बताने से तात्पर्य इनको विधि शब्द की चर्चा नहीं करना चाहते हैं, विधि शब्द इसलिए आवश्यक है कि समास से की तरफ दोनों पकड़ सके, पूर्व समात विधि है ना, दोनों ले रहे हैं यहां पर, पूर्वस्य पूर्व समात विधि और पूर्वस्य विधि, यदि विधि शब्द ना होता या समास ही नहीं रहता, केवल पूर्वा रहता तो पूर्वस्य लू उसको या पूर्व समाज लू उसको, दोनों में एक ही रह पाता, या तो सूत्र लगते अच्छा परस्मिन पूर्वस्य या अच्छा परस्मिन पूर्व समात या अच्छा परस्मिन पूर्वस्मिन स्थाने, ऐसे लेनी पड़ जाती ना, दोनों अर्थ एक शब्द से कैसे निकाल पाएंगे हम, तरीका निकाला समास कर करके दो, समास से दोनों निकाल सकते हैं, पूर्वस्य विधि पूर्व समाच विधि यदि पूर्व विधि ये करे दोनों निकल सकता है, पूर्व से विधि पुरुषवार विधि समास द्वय लाभार्थम विधि ग्रहणात्, समास द्वय का लाभ करने के लिए ही सूत्र में विधि शब्द को ग्रहण किया गया। पंचमी समास पक्ष मूले नोक्त, लेकिन पंचमी समास पक्ष को मूल में नहीं कहा गया है, तथापि पूर्व समाध भी विधो स्थानीय पक्ष हेतु अव्यवाय नत्तम, इसमें वही दृष्टांत रहेगा, पुरस्माद भी विदो स्थान भाव, पंचमी पक्ष का भी यदि आप लेके चलोगे उस पक्ष में भी अव्यवाय पित्ते जो दृष्टांत बन करके नत्व का दृष्टांत दिया जा सकता है। यदि पद्धन्नो मास आदि प्रघटक स्वीकृत सह, पद्धन्नो मास इत्यादि प्रघटक में इस बात को स्वीकार किया गया है, मैंने वहीं पर विचार करेंगे विस्तार पर समझाएंगे, इसकी भी जरूरत है पंचमी पक्ष का। अलविद्यर्थम इदम, अलविधि के लिए यह सूत्र आरंभ हुआ है, मूल में कहा था उसकी केवल प्रतीक लिया, तेन वृश्चित्रा वस संप्रसारण न पुरदत्व से स्थानीवत्व न संप्रसारणतया न संप्रसारण संप्रसारण निषेधा, वकार वस्य संप्रसारण न, कि व्री धातु था, व्री को आपने री को संप्रसारण कर दिया है ना, और हो गया वो
अर नहीं, रि को नहीं, गुण हुआ, संप्रसारण नहीं हुआ, रि को गुण हो गया, वर हो गया, है कि नहीं, और र का लोप हो जाता है, फलादि शेष। अब कहते हैं कि व को संप्रसारण कर दो, व को संप्रसारण कर दो, वो नहीं हो सकता। इतर वस संसारण ना, क्यों? वृद्धत्व से वृद्धत्व आपने किया, वृत्त सूत्र से अत्व किया, अत करने से वो रपर हो गया, अर हो गया, वर हो गया, वर का र लोप हो गया, स्थानिवत्व ना संसारण से या उस र को स्थान संसारण कर दो, और र में क्या होगा? री था ना, री को ही तो र हुआ, री को र होना ही संसारण है एक तरह से। तो कहते आप एक संप्रसारण के पर में रहते, दूसरा संप्रसारण आप नहीं कर सकते, न संप्रसारण संप्रसारण निषेध करता है। इति परे तद विधानात् अंगाक्षिप्ते न च वृद्धत्वं परनिमित्तं नैत वाच्यं। यदि कोई कहे वृद्धत्व जो है परनिमित्त कार्य ही नहीं है, और आपने कहा परनिमित्त को आजादेश कहा है यहाँ, और वृद्धत्व जो कर रहा हूं परनिमित्त ही नहीं है यहाँ, कहते ऐसा नहीं कर सकते कि अभ्यास संज्ञा हुआ ना, आप वृद्धत्व कहाँ लगा रहे, अभ्यास से का अधिकार में है, अभ्यास में आप करने जा रहे, पूर्वाभ्यास है, और पूर्वाभ्यास भी कहाँ करें अभ्यास संज्ञा, अंग से का अधिकार में है, अंग संज्ञा कब होती है? प्रत्येक परते हुए, जब पर निमित्त ही यहाँ वृद्धत्व लागू हो गया, कि वृद्धत्व को लागू करने के लिए अंग संज्ञा की अपेक्षा है, अभ्यास संज्ञा की अपेक्षा है, और दोनों ही प्रत्येक परते हुए करते हैं। अच्छा, प्रत्येक पर में रहते हुए जो अंग निमित्त कार्य होने के नाते ये भी परनिमित्त कार्य हो, ये कह रहे हैं। न चौरदा परनिमित्त न इतना वाच्य वृद्ध तुझा परनिमित्त नहीं है, ऐसा मत कहो कि अंगाक्षिप्ते प्रत्येक परे तद विधानात्, अंग संज्ञा से आक्षिप प्रत्येक परते हुए ही उसका विधान होने से परनिमित्त का आदेश हो गया। पूर्व समाज विधि पूर्व विधि पंचमी समास पक्ष से तो प्रयोजन, फिर पंचमी समास के पक्ष का प्रयोजन आप क्या बताएंगे? तन्वंती तन्वते, तन्वंती परसों में बजे तन्वते आप तन्वते, ये यण आदेश से स्थान भावात नेट, ये यण जो आदेश हुआ है उसके स्थान भाव होने से इट नहीं हुआ, ये यण जो हुआ ना वो स्नु धातु है प्रत्यय, सॉरी स्नु प्रत्यय तनादिभ्य उ तनाष्टु नहीं तनादिभ्य उ तनादिक्रीभ्य उह सूत्र है, तनादिक्री धातु से उ प्रत्यय होता है, तनु विस्तार धातु से उ प्रत्यय, जी है अंति हो गया, ज है तो अत हो गया, अदभ्यस्ता है ना, अब वो क्या हो गया तो वो अत के परते हुए उ को आपने यण कर दिया, तन वती वंती तन वते ये बना है, अब वाक्य प्रत्यय का हिस्सा बना, वो भी प्रत्यय था, वलादी हो गया, वो क्या है वह को वह हो गया यण होने से, और वह अवल में आ गया तो वलादी प्रत्यय मिल गया, तन धातु से तन धातु से परे वलादी तो प्रत्यय प्रत्यय होने से इटा का होना चाहिए, आर्धसूत्र वलादे इट प्राप्त हो रहा था, वो ना हो इसलिए हमने क्या कर दिया पंची पक्ष को लेकर के स्थानक भाव कर दिया, अब वह नहीं दिखेगा वो दिखेगा, जब वो दिखाई देगा तो इट कहां से होगा, जब वो वल में नहीं आता अपने आप इट निवृत्त हो, यह स्थानीय पंची पक्ष स्थानीय भाव का लाभ है। यह यणादेश स्थानीय भावात नेट अत्र ही तन इति अंगम निमित्त, वहां पर भी क्या है तन, यह जो अंग है ना तनु धातु, ये अंग निमित्त बनेगा, तच स्थानी भूतात उकारात पूर्वम, वह भी स्थानीय उकार से पूर्व में है, और उससे पर पूर्व समाप्त है ना, पूर्व समाज ना बना परस्मिन आजादेश कार्य कर्तव्य, पूर्व समाज पर में जो कोई कार्य करना हो, और इट कहाँ हो रहा है तन से पर में वलादी को इट्टा कम हो रहा है, पर पक्ष हो गया ये पूर्व समाज परम यत किंचित कार्य चेत स्थानीवत स्या, तो पूर्व से पर में है वलादी को इट की प्राप्ति हुई थी, उस स्थिति में वहां पर हमने स्थान भाव किया है, तच स्थानी भूता दुकारात पूर्व ननु इदम न प्रयोजन, कोई शंका करते प्रयोजन नहीं हो सकता कि बहिरंग से यणो असिद्धत्वादागम से अत्र प्रसक्त है, क्योंकि जो यण आदेश हुआ है वो बहिरंग है, अतएव इट की प्राप्ति ही नहीं, असिद्धम बहिरंगम अंतरंग,
यणो सिद्धत्वा जडागम से अत्र प्रसक्त है, तब कहते यहाँ बहिरंग परिभाषा लागू ही नहीं कर सकते, यहाँ तो बहिरंग परिभाषा नहीं आ सकती है। असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, यह परिभाषा लागू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सुनिए, न च ना जनांतरिये बहिष्ठ प्रक्लिप्ति ही, अजानांतरिये कार्य करते हुए परिष्ठ प्रवृत्ति न, अच निमित्त आनंतरी कार्य कोई करना हो, अच को निमित्त मान करके कोई अव्यवहित में कार्य करना होगा, वहां पर बहिष्ठ प्रक्लिप्ति माने बहिरंग परिभाषा जो प्रसिद्ध है वह लागू नहीं होगा, इसलिए यहां परिभाषा लागू नहीं हो सकता। वही कार्य न चा ना जनांतर ये बहिष्ठ प्रकृति परिभाषा है, इति निषेध इति न, यत्र अंतरंगे बहिरंगे व अचोर आनंतरे, जहां अंतरंग हो जहां बहिरंग, दोनों में, दोनों सूत्रों की प्राप्ति के विषय में जहां अच आनंतरी होगा, इति हरदत्तादि मते निषेध प्रवृत्तोपि, हरदत्तादि कारिकाकार के मत निषेध प्रवृत्ति होने पर उत्तर कार्य यत्र अच आनंतरियम आश्रितम तत्र बहिष्ठ प्रकृति न, इति कयट मते, इति कयट ने व्याख्या उसकी बदल दी। उन्होंने कहा उत्तर में कोई कार्य करना हो ऐसी दिशा में पूर्व के आनंतरी जहां आश्रय करके हम व्यवहार करते हैं तो उसमें ही बहिष्ठ प्रकृति ने बहिरंग परिभाषा लागू नहीं होगी। उस स्थिति में तो प्राप्त है, उत्तर में तो कार्य करें, पूर्व प्रयोगशा इट कहां हो रहा है, वक वहां वंती जो वते हो रखा है वहां इट हो रहा है, इसलिए कैयट के अनुसार जो व्याख्या करते हैं इस परिभाषा का तो या निषेध की प्राप्ति होगी। न चिम अपि पचन निति प्रयोजनम भवत्येव, इसलिए प्रयोजन त्यागना पड़ेगा। फिर दूसरा उठाया अपि पचन, ये किया निजंत धातु है उससे लुंग लकार का रूप है अपि पचन, पच धातु निजंत करके फिर लुंग लकार का रूप बनाया तो अपि पचन रूप बनता है। यही अंतरकारस्य चंगकारस्य अतो गुण, यहां पर क्या हो गया, छिली को चंग हो गया, चंगी से तत्वाधिकारी हो गया, छिले सिचुआ था ना, सिचुक के स्थान में हमेशा छिले के स्थान सिचुआ करता था और यहां कर दिया छिले चंग कर दिया, सिच को बाद करके तो चंगी से तत्वाधिकारी हो गया। अपी पचन बन रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है, चंग का आकार है अपी पच और जोंत अंति जो रखी थी ईलोप होकर के तलोप होकर अन्न बचा है, अपी पच और अन्न अतो से प्ररूप हो गया अपी पचन रूप बना। ये जो प्ररूप हुआ एकादेश हुआ है, अतगुण से प्ररूप होता है वो एकादेश होता है, उस एकादेश का स्थान भाव कर दो, ये कर क्या होगा उसे, यही अंतरकार से चंगकार से अतोगुण इति प्ररूप है, तस्य पराद्योद्भावात् पराद्योद्भाव कर दो उसमें भी, प्ररूप एकादेश जब हुआ ना, जहां एकादेश होता नियम क्या एकादेश का, अंतादिवच्च पूर्वांतवत पराधिवत दोनों भी हो सकता है एकादेश में, पूर्वांतवत धर्म भी ले सकते हो या पराधिवत धर्म भी उसमें ला सकते हो। ये तो लिया था ना वहां पर शिव ही क्या शिव आई, क्या है पूर्वांतवत लाएंगे तो आ क्या है उपसर्गत्व आ जाएगा और पराधिवत लाओगे तो धातुत्व आ जाएगा, है कि नहीं, उपसर्ग और धातु के पीछे जो कार्य नित्य पूर्वांतर भाव और पराजित भाव एक देश में होती है और यहां पर हम पराजित भाव लाऊंगे तो क्या होएगा, प्रत्यत्व आ जाएगा, पर कौन दांतिगण उसके आदि का आकार तद्वत भाव अपनाएंगे आप तो पराजित भाव लाने से प्रत्यत्व आ जाएगा। भावाद जी ग्रहण ग्रहणे सती, उसको हम क्या समझेंगे, जी प्रत्यय समझेंगे तो जेर जूस लग जाएगा, वह जेर जूस ना हो इसलिए आपको पंची पक्ष मानना पड़ेगा, पूर्व समाज पर में कोई कार्य करना हो, पूर्व कौन था अपी पच धातु, उसे पर में कार्य क्या है जी को जुस, पूर्व समाज पर कार्य कर्तव्य नष्टानी बात निश्चित कर सकते हैं, यह लाभ हो जाता है। इसलिए कहते हैं यही नचयो अपी पचन नीति, यही अंतरकार से चंगकार जातो गुणित पर रूप है, तो जब पराजित भावा जी ग्रहण ग्रहण सती सिजव्यस्ता जुस प्राप्त होती, नीलोप से एकादश जवा, अत एक और भी पक्ष है जो नीलोप हुआ था उसको स्थान भाव कर दो, नीलोप से एकादश से वा किसी का भी
स्थानीयोद्भावात न भवती व न वाच्यम, स्थान उद्भव कर लूंगा तो वह कार्य प्राप्त नहीं होगा, ऐसे नहीं कहना। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर पूर्वस्मात पक्ष भी रखा है तब स्थान उद्भव हो जाएगा, पूर्वस्मात पक्ष में संभव हो जाएगा, पंची पक्ष स्थान को प्राप्त हो जाएगी तो कार्य नहीं हो पाएंगे। वेत्तेरी लंगी एव अनंतरो जी संभवदि इति तत्साहचर्याद अभ्यस्ताद पि लंगयेव जेर्चुस विधान। सिजभ्यस्ता विदभ्यस्त है ना सूत्र है ना, सिजभ्यस्ता विदिभ्यस्त विद की साहचरी है, वो सूत्र में विद धातु के साथ सूच को ग्रहण किया है ना, तो क्यों ग्रहण करना है, इसे ज्ञापन करने के लिए। अभ्यस्त से जो कोई भी कार्य करना हो वह जैसा किसमें हो रहा है लंग में, उसे विद धातु से भी लंग में ही होता है, तो यहां पर भी शिक्ष में का सूत्र लागू नहीं कर सकते। उस नियम को बता रहे विद धातु ग्रहण कर ज्ञापन करके, वे तेरी लंगी एवं अनंतरो जी सिया, कि विद धातु से लंग में ही अव्यवहित पर में जी मिलता है, उसी जी को जुस होता है। तत्साचर्या अभ्यस्तादपि, अभ्यस्तों से भी लंग के स्थान में ही आया हुआ जी को जुस होगा, लुंग के स्थान में आया हुआ जी को जुस प्राप्त ही नहीं। तो स्थान उद्भव करके भी करोगे क्या, आपने कहा स्थान उद्भव करने से जी को जुस हो जाएंगे, कैसे हो जाएगा, प्राप्त ही नहीं होगा। न च सिचा साहचर्या कहते, तब पूर्व पक्ष कह सकता है अरे विद की साहचर्य क्यों मान रहे हो, अभ्यस्त के लिए पूर्व साहचर्य ले लो, सिच का साहचर्य ले लो, बीच में ना अभ्यस्त विद्वान सिच अभ्यस्त विद, आप विद में जैसा वैसा अभ्यस्त में करो, ये क्यों बोल रहे हैं आप, मैं उल्टा कह सकता हूँ सिच में जैसा वैसा अभ्यस्त में करो, साहचर्य तो तब भी बन रहा है, अब भी बन रहा है क्योंकि बीच बैठा हुआ है, व्यवधान तो है ही नहीं। क्या पूर्व कृत साचर्यता लीजिए चाहे परकृत साचर्यता, परकृत साचर्यता लेंगे लंग मात्र में ही लागू होगा, पूर्व कृत साचर्यता लेंगे लुंग मात्र में ही लागू होगा। हम पूर्व कृत ले लेंगे, हम प्रकरण लुंग का लकार का लिए हुए हैं यहाँ पे, ऐसा मत कहो सुचा साचर्यता लुंगे ग्रहण वस्तु इति न संख्यम, क्यों ये प्रतिषेधे परम कार्यम, ये प्रतिषेध होने पर क्या होता है पूर्व अपेक्षा से पर कार्य होता है, यहाँ पूर्व साचर्य लेना है या पर साचर्य लेना है, विवाद हो गया लड़ गया, तुल्य बल विरोध है परम कार्य अनुसार, दोनों तुल्य बल वाले पूर्व साचर्य भी पर साचर्य भी, ऐसे तुल्य बल वाले दो का विरोध होने पर कार्य का मतलब यहाँ पर क्या होगा पर साचर्य ही ले आ जाएगा, पूर्व साचर्य को त्यागना होगा तो लुंग में प्राप्त नहीं होगा लंग में ही हो जाएगा। परसाचर्य बलियस्ता न चैमपि अदभ्यस्ता अदादेदस्य निवारणाय पंचमी समास पक्ष आवश्यक इति नवाच्यम्। अदभ्यस्ता सूत्र से जो अदादेश है उसका निवारण करने के लिए पंचमी समास पक्ष की आवश्यकता है, ऐसा भी मत कहो। चंगकार से अंतिर कर्च अतो गुण इति पर रूपे कृत है झस्य अभावाद अदादेश अप्रसक्त है। चंग के आकार और अंति के आकार इन दोनों का विषय अतोगुण से पूर्व आपने किया उसे झ के अभाव झ तो रहा है तो अदाध्यस्य अभावात अदादेश अप्रसक्ते अदादेश की प्रसक्ति नहीं रह गई। स्थानुद्भाव करके करोगे क्या, अत्र तो एकादश पराधिभावात झ ग्रहण न ग्रहण, यदि कोई कहे नहीं नहीं एकादश होने के बाद झ आ जाएगा वहां पर, कैसे आ जाएगा पराधिभाव कर दो, पराधिवत भाव करेंगे पर में क्या था अंति, उसमें जो हम झ प्रत्यय तो नहीं देखेंगे, आत्म पद में क्या हुआ झ था झ में झतुलाओ और जितुलाओ वहां के लिए तो कार्य कर सकते हैं, कहते नहीं अलविद अंताधिवत भाव अप्रवृत्त है, परिभाषा है अलविधि के मामले में अंताधिवत सूत्र के द्वारा होने वाले पूर्वाधिवत भाव पूर्वांत पराधिवत भाव यह प्रवृत्त ही नहीं होता, यह बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा ध्यान रखने का है। अलविदो अंताद्वत भाव अप्रवृत्त है, अन्यथा नहीं तो क्या होगा बहुत जगह में कई रूप सिद्ध ही नहीं हो पाएगा, जैसे अयजे इंद्रम शब्द प्रयोग हो रहा है,
इत्यादि सवर्ण दीर्घो दुर्वार सवर्ण दीर्घ होके रहेगा। यज्ञ कहां करो पे एड वही मही इटका आदि आदगुण से आपने यज्ञ कर दिया है, अब यहां पर स्थान भोग कर दूंगा तो क्या वो आपका सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, इतना जाएगा ना, ये आएगा उसमें परनिमित्त का जादिश था ही नहीं, वो इंद्र मलक पद है ना, कोई संबंध ही नहीं, परनिमित्त का जादिश भी नहीं है यहाँ, निर्मित का आदेश भी है यहाँ, तो स्थानित्व होकर रहेगा, इसलिए जरूरी है कहते हैं ये मानना आला जो है एकादेश होने के बाद में हम पराधिभाव नहीं लाएंगे। यहाँ पर एकादेश होना आदगुण से क्या हुआ, एकादेश हुआ अयज ई आदगुण अयजे एकादेश हुआ है, उसे एकादेश हम पराधिभाव में लाएंगे तो क्या हुआ, इतर भी प्रत्यय आ जाएगा, वो ई दिखेगा, ई दिखेगा तो परम इंद्र की कार के साथ अयजे इंद्र मिथ्या दो स्वर्ण दीर्घ दुर्वार क्यों अस्तु पराधिभाव, यहां तो मान मिलो मान लो, यहां पर इस परिभाषा को नहीं मानते, ये जो कहा ना भी अल्पिदो अंताधिपत अप्रवृत्त है, ये परिभाषा तो ना भी माने कुछ क्षण के लिए, और पराधिभाव कर लोगे तो इत्व आ जाएगा और आकर्षण दीर्घ हो जाएगा, ये जो तुम कह रहे हो तो भी समस्या नहीं, अस्तु वा पराधिभाव तथापि झकार से अत्यधिक अदादेश कर्तव्य अंतादेश न स्थानिवत्स्यात् अल्पिदत्वात्, फिर भी जकार के स्थान में जो अत आदेश हुआ था उस अदादेश कार्य कर्तव्य में अंतादेश न स्थान साथ जो अंतादेश का उसको स्थान भाव नहीं हुई क्योंकि अल्विधि होने के नाते, तस्मात पंच समास पक्ष निरर्थक विधि छे अत्रा हो, इसलिए पंचमी समास पक्ष व्यर्थ ही है ऐसा कुछ लोगों ने जो कहा उसके जवाब में अब सिद्धांती आरोप करता था पंचमी समास प्रयोजन तया अपी पचन नीति उदाहरण भगवतस्तो न यह साचरी नियमा नियामकतया सम्मतम, कदे आपने अपी पचन में कहा हम साचरी नियम को स्वीकार नहीं करते, मैं फिर से परम कार्यम करते पर साचरी को ही मानूंगा, ये सब जो आपने जबरदस्ती कहा था वह नहीं हो सकता, न यह सम्मतम क्यों द्वित्रिश्चतुर इति कृत्व सुचरते न द्वित्रिश्चतुर इति कृत्वार्थे, कृत्व सूच प्रत्यय होता है ना बारंबार करना अर्थ में कृत्व सूच प्रत्यय होता है कि नहीं होता है, कृत्व द्विकृत्व पंचकृत्व शब्द बनते हैं, इति सूत्र है कृत्वार्थ ग्रहणाद ज्ञापक, ये सूत्र जो कृत्वार्थ ऐसे क्यों ग्रहण किया वह ग्रहण करने का ज्ञापन कर रहा है, साचर्य सर्वत्र आश्रय थी, साचर्य सर्वत्र ग्रहण नहीं किया जाता है, वहां भी साचर्य था जिस त्रिस में क्या है सुच प्रत्यय है, जिसके सकार क्या है वो सुच प्रत्यय है, त्रिस का सचार भी सुच प्रत्यय है, और चतुर में कोई बताया नहीं कोई प्रत्यय नहीं है, चतुर से भी हम क्या लेंगे साचर्य सुच ही पकड़ लेते, कहने क्या जरूरत है कृत्वार्थ न कृत सुच प्रत्यय नहीं जो होने वाला प्रत्यय पर रहते हैं, क्यों कहा विज्ञापन करता है कि साचरी नियम सर्वत्र लागू नहीं होता, एवं च भवते रेंगलुकी भव धातु से ले लो भू धातु से भवते यंगलुकी अभ्यस्त आश्रय से जुस प्रवृत्तिया अभो भूवु इति रूपम सिद्ध्यति, आतः इति नियमस्य सिचा परत्वम आश्रित्य योजुस प्राप्त तन मात्र प्रत्यया माधवाद भिर्व्याख्यातत्वात्, सिच मात्र प्रत्य व्याख्या किया माधवी धातु वृत्ति, माधवी धातु वृत्ति है ना सिद्धांत कौमुदी बनाई तीन पुस्तक मिला करके प्रक्रिया कौमुदी माधवी धातु वृत्ति और रूप तरंगिणी या क्षीर तरंगिणी बोलते क्षीर स्वामी कर इन तीनों पुस्तक मिला के सिद्धांत को बुद्धि बन गया, माधवी धातु वृत्ति में पंचमी पक्ष को स्वीकार करके कहा है, आते थे नियम से शिक्षा परत्व आश्रित्य शिष्य के पर को आश्रय करके यो जुस प्राप्त है तन मात्र प्रतिमा शिष्य मात्र प्रत्यया माधवादी फिर व्याख्या तत्वा, अतएव अभ्यस्त आश्रय जुस नित्यत्व दुख अभो भूति मूले यंग लुंगंतेषु उक्तम, इसलिए आपने ही अभ्यस्त को आश्रय करके जुस कर दिया वहां पर, नित्यत्व दुख भी हो गया और अभो भू रूप
तथा च इस निष्कर्ष क्या निकला, अपि पचन नित्यता इत सिद्धये पंचमी समास पक्ष आश्रयणी इति। अपि पचन में नित्य ही इत की सिद्धि करने के लिए पंचमी समास पक्ष को आश्रयण करना ही होगा, अन्यथा अन्य लोग पंचमी समास पक्ष को कैसे मजबूत कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं वो बता रहे हैं। पंचमी समास प्रयोजनतया पद नहीं होना चाहिए, पद शब्द काट दो, पंचमी समास प्रयोजनतया भाष्य जब पक्ष कर दिया उसको, पंचमी समास पक्ष प्रयोजनतया और तो बढ़िया, और भाष्य बेभिदिता माइतिक इत्यस्यापि उदाहरण उदाहरणत्वात् न तस्य वैयर्ति आशंका कर्तव्या। वैयर्ति की शंका आप कर ही नहीं सकते कि स्वयं भाष्यकार भी पंचमी पक्ष को स्वीकार करके दृष्टांत दिए हैं। यद्यपि यंगो अकार लोपस्य स्थानित भावं विनापि, यंग का जो अकार का लोप हुआ पचन में, वहां पर उसके स्थानित भाव की विना भी एकाच उपदेश अनुदात्ता इत्यत्र विहित विशेषण आश्रयणादेव इन निषेध अप्रवृत्त भिदेर यंगंताद त्रिची बेभिदिता इति रूपम सुसाधम। यंग के आकार का लोप जो किया गया बेभिदिता रूप है, भिद धातु से यंग किया, यंग का लोप हो गया, यंग में भी क्या हो गया, पहले आकार का लोप फिर आकार का लोप, तो ये जो है उसके लिए स्थान भाव किया जाए और न किया जाए दोनों में क्या फर्क पड़ता है वो बता रहे। कभी यदि यंगो आकार लोपस्य स्थानित भाव बिना भी स्थान की बिना भी क्या होता, एकाच उपदेश अनुदात्त लेते हम, वहां पर विहित विशेष आश्रण आदि विहित विशेषण है, एक होता है प्राकृतिक स्वाभाविक विशेषण स्वयं मूल में से धातु में पहले से ही था, और दूसरा क्या कृत्रिम सूत्र विधान करके विशेषित हुआ। गंगाजी में क्या हो रही तो अभ्यास संज्ञा और जितने भी हैं ये सब क्या है विहित विशेषण संज्ञा है, अभ्यस्त भी ऐसा ही है, ये सूत्र से विधान हुआ द्वितो उसके बाद वो संज्ञा होने वाले हैं। विहित विशेषण होने से विधेर यंगंतात् एकाचित विशेषण आश्रय देव इन निषेध प्रवृत्त हो, इट निषेध की प्रवृत्ति नहीं होगी तो भिदर अंगंता त्रिचि बेविता रूपम सुसाध। यद्यपि ऐसा हो सकते तथापि मातितिक इत्यादि सिद्ध्यर्थम सपक्ष अभ्युगंत वह, मातितिक इत्यादि के रूप सिद्धि के लिए पंचमी सपक्ष ने पंचमी समास पक्ष को स्वीकार करना ही होगा। तो यहाँ क्या मामला है, न च मदितम पण्यम अस्य मातितिक इत्यत्रापि तदस्य पण्यमिति ठकी एकादेशे चक्रते यसेचिति लोपात इस सुप्तांतात कहिति एकास्ताने प्रसज्यमान यः कादेश सोपि अल्लोपस्थाने भावं विनैव सुपरिहारः इति नच वाच्यम। ऐसा होगा आगे आगे आ रहा है तीन लाइन बाद वाच्यम, ये पूरा कल ही देखते हैं।